दोस्तों समर स्लैम में रोंडा राउजी वर्सेस लिव मॉर्गन का स्मैकडाउन विमेन्स टाइटल के लिए मैच हो तो चुका है, लेकिन इस मैच का एंड पूरी तरह से कंट्रोवर्शियल तरीके से हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैच के एंड में रोंडा राउजी अपना सबमिशन मूव आर्म बार लगाती है लिव मॉर्गन को, और यहां पर उनके शोल्डर डाउन होते हैं जिसकी वजह से रेफरी है वो काउंट करना शुरू कर देता है, लेकिन ऊपर से लिव मॉर्गन टू काउंट पर ही टेप आउट कर देती है जिसे रेफरी नहीं देखता, और वो थ्री काउंट करके यहां पर लिव मॉर्गन को जीत दिलवा देता है, और लिव मॉर्गन स्टिल स्मैकडाउन विमेन्स चैंपियन है। लेकिन रोंडा राउजी की असल में इस मैच में जीत हुई है जो कि रेफरी ने नहीं देखी, और इस मैच में लिव मॉर्गन की जीत हुई है। मैच के बाद अटैक करती है लिव मॉर्गन पर रोंडा राउजी, और फिर अटैक करती है रेफरी पर, और फिर कुछ ऑफिशियल्स आते हैं और मामले को ठंडा करते हैं। लेकिन दोस्तों इस मैच में असल में जीत हुई है रोंडा राउजी की, लेकिन रेफरी ने नहीं देखा, तो यहां पर जीत हुई है लिव मॉर्गन की, और वो स्टिल स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन है, और इन दोनों की फ्यूड यहां पर एंड नहीं होती। मुझे लगता है क्लैश एट द कैस्टल में इनका रीमैच होने वाला है। वैसे आप लोग इस मैच पर अपने क्या थॉट्स रखते हो कमेंट करके मेंशन कर सकते हो, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर समर स्लैम फास्टेस्ट रिजल्ट इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।